गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स चैप्टर नाइन डाटा हैंडलिंग। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3। वेरी सिंपल चैप्टर। बार ग्राफ हमको दिए हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है। देन स्टार्ट पेज नंबर 198। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.3। सी योर बुक प्लीज। द बार ग्राफ गिवन alongside shown the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002। मतलब ये बार ग्राफ जो आपको दिया गया है, ये हमको ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ने 1998 से 2002 तक के बीच में जो परचेसिंग की है वो हमको इस ग्राफ में बताई। Read the bar graph and write down your observation in which your pass। आप इस बार ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और जो आपको ऑब्जर्वेशन करा, जो आपने इसको समझ के निकाला है, वो आप क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना है। तो पहले हम बार ग्राफ को देख लेते हैं। हमें क्या बताया गया, यहाँ लिखा है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन्स, मतलब 1 सेंटीमीटर की गैप 5000 टन्स को शो करता है। तो जैसे स्केल में लिखा हुआ है हमको 5, मतलब वीट इन 1000 टन, 5000 टन, 10000 टन, ये तो इतना आ गया। और ये पर्टिकुलर ईयर है जब गवर्नमेंट ने खरीदा। तो बार ग्राफ को देख के हम पता लगा सकते हैं कि सबसे कम किस सन में खरीदी हुई है, 1998 में, और सबसे ज्यादा 2002 में। ये एक मैंने मोटी समरी आपको समझाई। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। और ये बार ग्राफ हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट द्वारा जो वीट खरीदी गई है टन में, 1000 टन, वो हमको इंफॉर्मेशन देता है बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कब हुआ। तो सबसे बड़ी लाइन क्या आ रहा, सबसे बड़ा ग्राफ जो है 2002। तो हम कैसे आंसर लिखेंगे, ये पूरा क्वेश्चन लिखना पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये जो बुक में दिया डायग्राम। और फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए लिखेगा पूरा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए देख से लिखने के बाद आंसर लिखेंगे। केवल यह लिखना है इन ईयर 2002, हम लिख देंगे इन ईयर 2002। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो हुआ है वो 2002 में हुआ। बी, द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, कौन से ईयर में वीट का सबसे अनाज सबसे कम प्रोडक्शन हुआ। 1998 बी का आंसर आ जाएगा इन ईयर, पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप देन आंसर, इन ईयर 1998। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली वी रीड द क्वेश्चन नंबर 2 और ग्राफ आपको इसमें हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ दिया है। रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और एक रेडीमेड शॉप पर मंडे से सैटरडे में जो शर्ट्स की सेलिंग हुई है वो आपको बताया गया है। और यूनिट दिया है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में 5 शर्ट की सेल आउट होती है। तो 5 शर्ट, 10 शर्ट, 15 शर्ट, ये आपकी शर्ट्स की सेलिंग है। और उसके बाद ये सैटरडे फ्राइडे यानी यहाँ से चलेंगे मंडे ट्यूजडे से लगाकर सैटरडे तक हर डे को जितने जितने शर्ट बिके। अब क्वेश्चन करते हैं हमको क्या आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन ए, पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप देन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए में लिखा है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एबो बार ग्राफ गिव। ये जो बार ग्राफ देखा है आपने, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम लिखेंगे बार ग्राफ शोज Mondays to Saturdays।
नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. दिस इज द आंसर. ये तो हमको बार बार देखने के बाद पता चला. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द स्केल चूज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिपीटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स रिप्रेजेंटिंग. मतलब आपको ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल ऐसे भी देखने में आ रहा है, तो ये इसमें क्या स्केल दिया गया है. तो अब स्केल लिखेंगे हम बी में वन यूनिट. वन यूनिट का मतलब वन सेंटीमीटर हो सकता है, वन मिलीमीटर हो सकता है, कोई अपमान नहीं. वन यूनिट इज इक्वल टू फाइव शर्ट. मतलब एक यूनिट का जो डिस्टेंस है वो फाइव शर्ट के इक्वल बता रहा है. क्वेश्चन नंबर सी, ऑन दिस डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड. हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन द ऑन दैट डे. आपको ये बताना है कि किस दिन सबसे ज्यादा शर्ट सोल्ड किए गए हैं और कितने. तो यू हैव टू सी दैट सबसे ज्यादा शर्ट सोल्ड किए गए हैं सैटरडे एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 60. ओके, तो हम सी में लिखेंगे सैटरडे. इस दिन सबसे ज्यादा शर्ट सोल्ड हुए हैं एंड टोटल शर्ट कितने सोल्ड हुए हैं 60 शर्ट्स. व्हाट इट वी आर कॉल करेंगे और यहां पर स्टार्ट. नाउ वी ऑन दिस डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड. सबसे कम शर्ट किस दिन बेचे गए. तो देखिए सबसे छोटे यानी कि ट्यूसडे को. ट्यूसडे को सबसे छोटा ग्राफ है तो हम लिखेंगे ट्यूसडे. व्हाट इज नाउ क्वेश्चन नंबर ई, हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे. तो ट्यूसडे को कितने बिके शर्ट. तो देखिए अब आप स्केल में देखते हैं. इट्स नियर अबाउट 10. कितना दिख रहा है हमको 10. ई ट्यूजडे को ही पूछा ना, सॉरी थर्सडे. थर्सडे को कितने शर्ट दिखते हैं. तो थर्सडे को देखते हैं अपन 35 शर्ट. ये हो गया आपका आंसर. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपको पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है. बहुत ही सिंपल और इजी है. इस तरह हमारा आज का एक्सरसाइज 9.3 ओवर. फिर में ये दो क्वेश्चन करना है, थर्ड आपके लिए होमवर्क में है और प्रैक्टिस करेंगे आप. आगे के सब कुछ 9.3rd एक्सरसाइज और 9.4 आपको ग्राफ बनाना है. ये आपको होमवर्क में है, आप करके ट्राई करेंगे है ना बेटा. अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा है.